हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपने अपने पर्सन से अलग होने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हुए हो, आप सिचुएशन से लड़ना सीख गए हो। अगर आपकी लाइफ में कभी भी बुरा वक्त आता है तो आप उससे आसानी से निपट सकते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग आप हो गए। क्योंकि उस पर्सन के जाने के बाद आपने अकेले आगे बढ़ना सीखा है। पहले तो आपको यही लगता था कि अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी में जीना ही बेकार है, ऐसा आपकी सोच थी जब तक आप अपने पर्सन के साथ थे। आप नहीं चाहते थे कभी भी उनसे अलग होना, लेकिन जब आप उनसे अलग हुए हैं और आपने अकेले रहना शुरू किया, शुरू शुरू में आपको परेशानियां हुई हैं, लेकिन फिर आपने खुद ही अपने आप को मजबूत बनाना शुरू किया है। आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है, आपने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया है, आप खुश रहना सीखने लगे उस इंसान के बिना भी। और अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं और ऐसा है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा भी है जो इतने लंबे टाइम से आपने मेहनत किया है, जो भी कोशिशें आपने की हैं अपने करियर को लेकर ही हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हो, लेकिन उसमें अब आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आप जो चाहते हो वो आपको हासिल होने वाला है। लेकिन बात ये भी है गाइस कि आपका दिल तो दुखा है। आपको जो धोखा मिला है, जो भी आपके साथ आपके पर्सन ने किया है, आपसे मूव ऑन तो उन्होंने किया, अलग हुए हैं आपसे, या आप ही उनके रवैये से खुद ही अलग होने का फैसला कर लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन रिश्ता तो यहाँ पर ख़राब हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हो, उसका दुख आपको आज भी है। आप इसी बात को सोचते हैं कि आखिर आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आपने तो प्यार किया था, आपने कोई कमी नहीं रखी अपने पर्सन को खुश रखने में, बहुत कुछ आपने उनके लिए किया। आप नहीं चाहते थे उनसे अलग होना, लेकिन फिर भी आपको उनसे अलग होना पड़ा। तो उनकी कमी तो आज भी आपको खलती है और आप ये आज भी जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हुआ आपके साथ, जबकि आपने कोई धोखा नहीं किया, आपने अपने पर्सन के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इस बात को लेकर आज भी आप दुखी होते हैं और जब भी उस बारे में सोचते हैं परेशान होते हैं। और आपको ये भी लगता है कि अब आगे क्या होगा, क्या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, या फिर अब आपको किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आज भी आपके दिमाग में चलती हैं, इनके बारे में आप सोचते हो। देखिए, पास्ट में ऐसा नहीं था कि आपके और आपके पर्सन के बीच प्यार नहीं था, प्यार तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना आप डिज़र्व करते हो। आपने अपने पर्सन के लिए जितना कुछ किया, जितना प्यार उन्हें दिया है, बदले में आपको उतना कुछ तो नहीं मिला है आपके पर्सन की तरफ से। और ये बात आप भी समझते थे कि प्यार है तो, लेकिन बराबर नहीं है, जितना आप कर रहे हो उतना आपके पर्सन नहीं कर रहे आपके लिए, ये भी आपको समझ में आता था। लेकिन बात वही थी गाइस कि आपने अपने पर्सन से ट्रू लव किया और इसी वजह से आप सब कुछ सहते थे, कि क्योंकि आपको इस रिश्ते को ख़राब करना ही नहीं था। लेकिन उस बात को आपके पर्सन नहीं समझ पाए, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि जिस तरह आप रिश्ते को संभाल रहे हो उन्हें भी यही करना चाहिए, तभी एक रिश्ता चलता है। और आपको ये भी बात समझ में आती थी गाइस कि आपके पर्सन शायद कहीं और उनका ध्यान है, उनका ध्यान इसी वजह से आपकी तरफ नहीं है। ये बात आपको समझ में आती थी कि आपके पर्सन कहीं और बिजी हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। ये बात आपको भी समझ में आती थी उनके बिहेवियर से, जिस तरह वो आपको इग्नोर करते, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते, आपसे दूर भागते, तो इसी से आपको समझ में आता था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसका ध्यान है, शायद इसकी लाइफ में कोई आ गया है, या फिर उनका करियर भी हो सकता है कि उस तरफ उनका ध्यान था उस समय। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं आई आपके रिश्ते में तो उनका करियर भी हो सकता है कि तब उनका फोकस वहाँ था, लेकिन वो आपको इग्नोर तो करते थे। ये बात आपको भी समझ में आती थी, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। और जब भी इस बारे में आप अपने पर्सन से बात करना चाहते तो वो आपको सही तरीके से कोई जवाब नहीं देते थे, घुमा फिरा कर बातों को करना, आपसे झूठ बोलना, ये भी आपके पर्सन ने किया है।
और इन सब को देख कर ही गाइस आपने समझ लिया कि अब आपको इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, अब आपको इस रिश्ते से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए, ये आपने सोच लिया। क्योंकि इसकी वजह से आपका करियर भी ख़राब होता, आप परेशान तो हो ही रहे थे, आज भी हो ही रहे हो, लेकिन तब आपने फैसला किया कि अब आपको मूव ऑन करना है। और वहाँ आपके पर्सन ने भी मन बना लिया था कि आपसे उन्हें मूव ऑन करना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में या तो कोई थर्ड पार्टी आई या फिर उनका करियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहा उस समय। और थर्ड पार्टी यहाँ आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। और जो उस समय आपने आगे बढ़ने का सोचा, अपने करियर पर ध्यान देने का सोचा, अपनी ज़िंदगी में ध्यान देने का सोचा, तो उसी की वजह से आज आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सक्सेस मिलने वाली है। और ये सब जो आपने किया है गाइस, अपनी ज़िंदगी में जो आगे अकेले आगे बढ़ने का जो फैसला किया है और अब सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपके पर्सन भी देख रहे हैं। आपको भले ही लगता होगा कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ आपके पर्सन का पूरा पूरा ध्यान है, आपके बारे में वो पता लगाते हैं, आपके बारे में जानकारियाँ वो लेते हैं, भले ही आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर वो फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर ही स्पाई करने वाली बात क्यों ना हो, आपके पर्सन आपके बारे में सारी जानकारियाँ रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सब वो देख रहे हैं, उन्हें भी पता चल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितने ज़्यादा स्ट्रांग अब आप हो गए, उनके बिना जीना सीख लिया है आपने। और आपके पर्सन को ये सब देखकर डर भी लगता है गाइस कि कहीं अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ना आने दो, तो अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या पता आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, तो इस बात को लेकर आपके पर्सन डर भी रहे हैं। क्योंकि देखिए पास्ट में तो आपके पर्सन को यही लगता था कि आप उन्हें छोड़कर तो कहीं जाने वाले हो नहीं, वो चाहे जितनी भी मनमानियाँ कर लें आप उनके लिए रुके रहने वाले हो। लेकिन जब आप आज अलग हो गए उनसे और अपने ज़िंदगी में अपने आप में ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए हो, तो ये सब वो देख रहे हैं। और अब उन्हें डर लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या पता आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, आप उन्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने दोगे भी या नहीं, तो इन सब बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात कही थी कि आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे ना, उतना ही आपके पीछे लोग भागेंगे, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, खुद को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा लो कि लोग आपके पीछे भागें, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके में सारी क्वालिटीज़ हैं, बस पहचानना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। और बार बार मैं वही कहती हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो, क्या काम आपको पसंद है वो काम करो, जिस काम को करने से खुशी मिलती है आप वही काम करो। आपको रुकना नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है। जो चला गया वो चला गया, अगर वो आपका है तो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन पहले आप खुद को तो आगे बढ़ाओ। और जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ आज यही हो रहा है कि उनके पर्सन उनकी तरफ भागने को तैयार हैं, जो आपसे दूर भागता था ना अब आपकी तरफ आने को तैयार है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया ना, खुद पर फोकस नहीं किया ना, बस अपने पर्सन को लेकर ही बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हीं के लिए रो रहे हैं, उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा करना बंद कर दो। उन लोगों को देखो जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और आज उनके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यही सब देखकर अब वो उनकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया ना, अब कर लो और सेल्फ लव करना सीख लो। किसी के प्यार के भरोसे मत बैठे रहो, खुद को प्यार करो, अपने आप को। आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे ना तो लोग आपको उतना ज़्यादा प्यार देंगे, यही है। खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखो, क्योंकि लोगों को आप जितना भी प्यार दो और जितना भी उन्हें खुश रख लो, वो कभी उनके उनका मन नहीं भरने वाला, वो यही कहेंगे कि आपने उनके लिए किया ही क्या है। इससे अच्छा है कि खुद के लिए करो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप से ही प्यार करो, और दूसरे फिर आपको खुद ही खुश रखेंगे और खुद ही प्यार देंगे। आप खुद करके देख लो ये सब। आपके पर्सन को एक बात समझ में आ रही है गाइस कि उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा दुख आपको मिला है, बहुत ज़्यादा हर्ट आप हुए हो, ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। और ये बात भी आपके पर्सन को समझ में आती है कि आपकी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई उनकी वजह से। उस एक इंसान ने बहुत कुछ बर्बाद किया है, आपका समय तो बर्बाद किया ही है, आपको हर्ट किया वो अलग। ये बात अब आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, क्योंकि आप उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते रहे, आपने अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, आपका जो
काम है उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको ये लगता था कि वही आपके लिए सब कुछ है, उनका साथ आपके लिए सब कुछ है, उनका सहारा आपको चाहिए था फ्यूचर में भी और उस समय भी। लेकिन आपके पर्सन को तो तब ये बात समझ में आई नहीं थी, अब उन्हें समझ में आता है कि उनकी वजह से आप कितना कुछ सहे हो, कितना परेशान हुए हो। और अभी आप भी यही सोचते हैं गाइस कि आप मूव ऑन कर लें या आपको और वेट करना चाहिए, ये सवाल तो आपके मन में भी घूमता है। और देखिए आपको ये भी लगता है कि क्या पता वो इंसान आपसे प्यार करता भी था या नहीं, या सिर्फ आपका यूज़ करने आया था, ऐसा भी आप में से कुछ लोगों को लगता होगा। तो एक बार बता दूँ, प्यार तो था पर वैसा नहीं था जैसा आपको था, ठीक है, आपने ट्रू लव किया आपके पर्सन के साथ, ऐसा नहीं था, प्यार था लेकिन जो आप डिसर्व करते हो वो नहीं था। और आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, देखिए ऐसा नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया, प्यार आज भी है। और आपके पर्सन को अपनी गलतियों का भी पछतावा है जो उन्होंने किया, जिस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, उन गलतियों का भी पछतावा आपके पर्सन को है। और देखिए आपके पर्सन आपको दुख देना चाहते थे या आपको हर्ट करना चाहते थे, ऐसा नहीं था, ये होना ही था, इस वजह से हुआ है, ठीक है। और इन सब बातों को सोचकर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें भी डर है आपको खो देने का, वो डरते हैं कि कहीं आपको अब वो हमेशा के लिए ना खो दें, क्योंकि अब आप तो उनसे कोई कॉन्टेक्ट रख नहीं रहे, कोई बातचीत आप उनसे करते नहीं, अब उनके सामने आप झुकते नहीं, तो आपके पर्सन भी डर रहे हैं कि शायद आपने कहीं टोटली मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो अभी इसी वजह से आपके पर्सन भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। और अभी आपके पर्सन की ये कंडीशन है गाइस कि जहाँ भी वो हैं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, और लोग साथ हैं लेकिन होकर भी नहीं हैं, ऐसा है, लोग साथ हैं लेकिन साथ रहकर भी नहीं हैं। आपके पर्सन का यूज़ किया जाता है, आपके पर्सन हो सकता है उनके प्रोवाइडर हैं या थर्ड पार्टी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उनके आपके पर्सन उनके प्रोवाइडर हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन ज़रूरतों को तो पूरा कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपका साथ अगर रहता तो जो कुछ भी परेशानियाँ आज हैं तो वो शायद नहीं होती, ये आपके पर्सन को लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि अभी परेशानियों में आपके पर्सन भी घिरे हुए हैं। हर किसी के पर्सन के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ के साथ तो होगा। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनाइट हुआ जाए, आपसे बातचीत शुरू की जाए, रीयूनियन वो भी चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं क्योंकि आपका जो अभी बिहेवियर है, आप उनके उनसे कोई बात नहीं करते अपनी तरफ से ना, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे या उनसे मिलते नहीं, जो भी है, तो दूरी जो आपने बना कर रखी हुई है, इस वजह से आपके पर्सन को डर भी है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा इस रिश्ते का, क्योंकि वो तो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, और जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। आपके पर्सन पर कुछ लोगों का कंट्रोल भी है गाइस, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन परेशान होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं प्यार, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आज़ादी, लेकिन किसी न किसी का कंट्रोल भी है आपके पर्सन पर जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता, और आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उनके पास सब कुछ था, उनके पास ऐसा इंसान था जो उनके लिए लॉयल था, जो उन्हें सच्चा प्यार दे रहा था, लेकिन उन्होंने ही सब कुछ अपने हाथों से ख़राब कर लिया, ये अब आपके पर्सन को लग रहा है। तो देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है। वो चाहते तो यही हैं कि आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को ठीक किया जाए, और आपके ही साथ वो फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस बारे में सोच रहे हैं, और फ्यूचर में आप रीयूनाइट होंगे ऐसा भी है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ ऐसा ही होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आपको, अगर आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस चाहते हैं तो आप पॉजिटिव रहकर उनको मैनिफेस्ट कीजिए। आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि भाई सालों से वो पर्सन आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, और फिर भी आप उसका वेट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अपनी लाइफ को ख़राब करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं 10 साल 12 साल से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, और आज तक उनके पर्सन ने उनके लिए कोई एक्शन लिया ही नहीं है, तो
तो फिर आप इतना वेट करके, और अब जब तक इतने टाइम तक वो इंसान नहीं आया तो अब आगे आ ही जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। और जिनका रिश्ता अभी अभी ख़राब हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं कि कुछ ही हफ्ते हुए हैं, इनकी बात अलग है, वो चाहें तो अभी और वेट कर सकते हैं या फिर वो भी मूव ऑन कर सकते हैं, किसी की कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन जिनको लंबे टाइम से वेट करना पड़ा है, लंबे टाइम से आप अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं अपने पर्सन का, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ लव सीख लीजिए, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।